हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के मिशन जेपीएससी चैनल पर, जहां पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं जेपीएससी सक्सेस स्टोरी को लेकर और साथ में अन्य भी पाठन सामग्री आपके लिए उपलब्ध कराते हैं और पाठ्य पुस्तकों के बारे में भी हम बात करते हैं। आपने शाहरुख खान का तो वो डायलॉग सुना ही होगा, अगर दिल से कुछ चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ठान लेंगे और शुरुआत करेंगे तो निश्चित ही मुकाम हासिल करेंगे, क्योंकि सारी शक्तियां आपके साथ होंगी आपको कामयाब बनाने के लिए। तो आज की कहानी है सुनील शेखर कुजूर की, जिन्होंने पहले ही प्रयास में 6th जेपीएससी की परीक्षा में झारखंड एजुकेशन सर्विस में सिलेक्शन पा लिया। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई रांची से ही की है। उन्होंने अपना बीएड किया और उसको करने के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए। जब वो उस कोचिंग में गए तो उन्होंने देखा कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और जब उन्हें ये पता लगा कि ये इतना रिस्पेक्टेबल ओहदा है तो बस उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी वही बनना है। वे कहते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 9th से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स को अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ग्रेजुएशन क्लियर होने तक आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आप अपना फोकस स्टडीज पर ही रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और इधर उधर ध्यान ना दें। एक बात और उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वे गाते बहुत अच्छा है। जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपकी हॉबी क्या है तो उन्होंने कहा गाना। तो उनसे कहा कि ठीक है तो फिर एक गाना गाकर सुनाइए। तो उन्होंने एक गीत सुनाया जो कि इम्तिहान मूवी से था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, राहों पे चल के मिलेंगे कांटे बाहर के, ओ राही ओ राही। जी हाँ दोस्तों, इसी से पता चलता है कि उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें रुकना नहीं है, उन्हें आगे चलना है, और शायद इसीलिए उनका सिलेक्शन भी तुरंत हो गया। इंटरव्यूअर को भी पता चल गया कि हाँ, इनमें है वो दम, इनमें है वो चीज़ कि ये अपने ओहदे को अच्छे से संभाल सकते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स को जो कि अब एस्पायरेंट्स हैं, जो दे रहे हैं जेपीएससी की परीक्षा या कोई भी सिविल सेवा परीक्षा, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात धैर्य का होना। धैर्य होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। हो सकता है आपका कई बार एक बार में सिलेक्शन ना हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको धैर्य रखकर आगे बढ़ते रहना है, सफलता निश्चित आपके साथ होगी। और साथ में उन्होंने एक और बात भी कही है, उन्होंने कहा है कि डिटर्मिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी सक्सेस। अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पछाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप में वो जुनून वो जज्बा है कि आप हासिल कर सकते हैं अपने लक्ष्य को। तो ये थी कहानी कुजूर जी की। ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज को लेकर आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं फिर से हाजिर होंगी यहीं प्रभात एग्जाम के मिशन जेपीएससी चैनल पर। तो मिलती हूँ मैं फिर आपसे, तब तक आप तैयारी कीजिए और कामयाब होने के लिए जुट जाइए। धन्यवाद। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7,000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, Flipkart या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।